ज जीके करेंट अफेयर्स और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस सो टूडे वी स्टार्टेड एवॉर्ड्स एंड ऑनर्स हम पार्ट सिक्स डिस्कस कर रहे हैं आज बिकॉज पार्ट वन टू फाइव हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में देखना तो प्लीज़ प्ले लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करें और प्ले लिस्ट को फॉलो करते हुए पार्ट वन टू फाइव आप इजीली वहां से क्वेश्चंस डिक्टेट कर सकते हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पी एसआई एम पी पी एस सी एस आई रेलवेज एस एस सी सी जी एल एच एस सी जी एल एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सो टू फर्स्ट क्वेश्चन द विनर ऑफ द ग्रैमी अवार्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन इज

2016 में सॉन्ग ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया नाउ क्वेश्चन नंबर टू द विनर ऑफ द ग्रैमी अवार्ड 2016 इज रैप एल्बम ऑफ द ईयर ऑप्शन ए कॉमटन टू 2014 फॉरेस्ट हिल्स ड्राइव थ्री टू पिंप अ बटरफ्लाई फोर पिंक प्रिंट सो आंसर इज थ्री और सी पिम्प अ बटरफ्लाई नाव ऑन डिस्क्रिप्शन अब ग्रेमी अवार्ड मिला टू थाउजेंड सिक्सटीन में हमें पता होना चाहिए ये कैंड्रिक लेमार ड्रिक के द्वारा मिक्सड बाय अली एंड अली जेम्स जिसे हम दाइट ब्लैक मैन और हंट इंजीनियर के नाम से भी जानते हैं इन्होंने टू पिंप अ बटरफ्लाई मूवी पर जो है रैप एल्बम शो किया था नाव क्वेश्चन नंबर थ्री द भारत रत्न अवारेड ऑफ अ फॉरन नेशनलिटी डाइट इन दिसंबर टू थाउजेंड थर्टीन इज ऑप्शन है नेल्सन मंडेला टू घनी खान सी डॉज लिस डी दलाई लामा फर्स्ट सो आंसर इज वन नेल्सन मंडेला नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है नेल्सन मंडेला ही इज वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड ही डाइट 5th December 2013 due to the cause of a death is respiratory tract infection at South Africa or Hongton State Joint's work. This is the Bharat Ratna awarded by the President of India. Now question number four. Who is not amongst the winner of Nobel Prize 2016 in chemistry? Option A Zin Pre Sauvage. बी जे माइकल कॉस्टलिट्स सी सर जे फ्रेजर स्टोडर्ट डी बर्नार्ड एल फेरिंगा सो आंसर इज बी जे माइकल कॉस्टेल्ट नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन वी नो द केमिस्ट्री नोबेल प्राइज 2016 में मिला था जिन प्री सोवेज को सर जे फ्रेजर स्टोडर्ट को और बर्नार्ड एल फेरिंगा को बट जे माइकल क्वेश्चन लीड्स को नहीं मिला था ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है बिकॉज दिस ऑल आर फॉर द डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज ऑफ मॉलिकुलर मशीन के भी यहाँ पर दिया गया था बर्नाल्ड डेल फरिंगा को नेदरलैंड में नेदरलैंड से है और सर जे फ्रासा जो है ये यूएसए से है एंड जिन पेरी जो है ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ

साइट एन एस सी आई डॉम मुंबई के द्वारा और हॉस्टेड किया गया था कपिल शर्मा करण जौहर और शाहरुख खान द्वारा बात दंगल की है तो हमें पता होना चाहिए फॉर बेस्ट और मोस्ट अवार्डेड निर्जा जी थी और मोस्ट नॉमिनेशन इज ए दिन है मुश्किल उड़ता पंजाब नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स महाचक्री शिरुंदरन who has been conferred with the first world sanskrit award belongs to which country option a pakistan b thailand c australia and d china so answer is two thailand now on description jaisa ki hame pata hai princess Mahachakri chakri sirondhan ye ek thailand ki rani thi ye inhe pehla विश्व संस्कृत अवार्ड से नवाजा गया और यह वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा मोहम्मद हमीद अंसारी के द्वारा प्रवासी भारती केंद्र में और न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड किसके द्वारा महाचक्री शिरोधन जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन हुज कन्फर्ड फर्स्ट वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड ऑप्शन ए एरियन ग्रैंडी बी गुलजार सी महाचक्री शिरोधन डी प्रसाद चौरसिया सो so, आंसर इज सी महाचक्री शिरोधन जैसा कि हमें पता है ये थाईलैंड से बिलोंग करती है थाईलैंड की प्रिंसेस थी ये ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन में बनी थी और यह फर्स्ट वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड से भी नवाजी गई इन दर ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टीन नाउ क्वेश्चन नंबर एट हु जननपित अवॉर्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन ऑप्शन ए संघ घोष बी शंकर बाला सुब्रमण्यम सी अमिताभ घोष डी जुम्फा सो आंसर इज ए शंख घोष नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है वितरण बंगाली पोइट है शंख घोष जी इन्होंने रिसीव किया प्रेटेजर्स जनप्रीत अवार्ड 2016 में फिफ्टी सेकेंड बट द डिसीजन वॉज टेकन इन अ मीटिंग ऑफ द जनप्रीत सिलेक्शन बोर्ड चेयर्ड बाय द स्कॉलर राइटर एंड दिटिकोफेसर नमवार सिंह घोष हेड वॉन दद्म भूषण इन टू थाउजेंड इलेवन और नमवार सिंह घोष जो की प्रोफेसर थे जनप्रीत सिलेक्शन बोर्ड के और चेयरपर्सन भी थे इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दो हजार ग्यारह से नवाजा गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन महाबलेश्वर सेल वरस्वती सम्मान फॉर वर्क इन विच लैंग्वेज ऑप्शन ए इंग्लिश बी हिंदी सी कौन डी मलयालम सो आंसर इज सी कौन नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है कौनकानी राय राइटर जो है महाबालेश्वर सेल हैं इन्होंने 2016 में सरस्वती सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया ये सेवेंटी फोर ईयर के थे और इन्हें प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2000, 2016 में दिया गया यह अवार्ड इन्हें एक नॉवल लिखने पर दी थी जिसका नाम था हाफ टर् जिसे हम हाफ थेन के नाम से भी जानते हैं और यह कैप्चर किया गया था कल्चरल लाइफ कल्चरल जो ट्रेडिशनल गांव के गोवा कम्युनिटी और गोवा पोटर कम्युनिटी के अंतर्गत आती है वहां के ट्रेडिशन रह, रहने के तरीके को उन्होंने वर्णन हाफटर के अंदर किया गया था नाउ क्वेश्चन नंबर टेन इज द लास्ट क्वेश्चन टूडे द कैनिस अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन बीच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑप्शन ए लिटरेचर बी फिल्म्स सी जर्नलिज्म डी इकोनॉमिक्स सो आंसर इज टू फिल्म्स और बी नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन वी नो कि कैनिस फेस्टिवल जो होता है यह एक फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होता है चूँकि दो हजार में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चूंकि इंग्लिश में कैनिस फिल्म फेस्टिवल के नाम से जानते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है एनुअल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड होता है कैनिस में फ्रांस में विच प्रीव्यू न्यू फिल्म ऑफ ऑल जनरीज इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्रीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड और यह जो मूवीज जनरीज या डॉक्यूमेंट्री पे फिल्मायत होती है उन्हीं में ज़्यादातर दिया जाता है और यह पहली बार फाउंड किया गया था नाइनटीन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से आई होप गाइज आज के हमने जितने भी अवार्ड्स और ऑनर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे डिस्कस करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ईजिली आपके फ़ोन पर अपडेट करा सकूँ और अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नेट इजीली मेरे व्हाट्सअप पे कन्वे कर सकते हैं प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर नाइन फोर टू फोर फाइव सेवन जीरो नाइन सेवन नाइन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो योर सपोर्ट इज अवर पावर थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत